हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल AK24 में। फ्रेंड्स, HP TET GPT 2019 के एग्ज़ाम का साइकोलॉजी सेक्शन 1 को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में डैश अपान है, इसका सही आंसर है डी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु ग्रहण करने की पद्धति को डैश कहते हैं, इसका सही ऑप्शन है ए स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 3, अनुबंध का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, इसका सही ऑप्शन है बी इवान पेवलोव ने। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रत्येक मानव कोशिका में कम से कम पितरेक होते हैं, इसका सही ऑप्शन है बी 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लवित है, इसका सही ऑप्शन है सी 90 to 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु की अवधारणा द्वारा की गई थी, इसका सही ऑप्शन है बिनी साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, इसका सही ऑप्शन है डी बी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विधि को प्रतिपादित किया है, इसका अभी आंसर पता नहीं लग पाया है। अगर आप इसका आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी भाव है, इसका सही ऑप्शन है बी अर्जित। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर जोर दिया, इसका सही ऑप्शन है बी B.F. स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनिष्ठता बनाम एकाकीपन की अवस्था है, इसका भी सही आंसर पता नहीं लग पाया है। तो अगर आप इसका आंसर जानते तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति का अंग कौन सा नहीं है, इसका सही ऑप्शन है बी अवधाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठशाला में भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है, इसका सही ऑप्शन है डी व्यक्तिगत अध्ययन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को महत्व के बारे में हमारी अवधारणा क्या कहलाती है, इसका सही ऑप्शन है ए आत्मगौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का क्षेत्र है, इसका सही ऑप्शन है डी उपरीतिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि का हार्मोन लंबाई के विकास को प्रभावित करना है, इसका सही आंसर है ए पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने वर्तमान ज्ञान में नई सूचनाओं को ग्रहण करना क्या कहलाता है, इसका सही ऑप्शन है समावेशन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक की यह शाखा जो जैव कारकों के प्रभाव से संबंधित है क्या कहलाती है, इसका सही ऑप्शन है ए जैविक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीवित प्राणी की सबसे आधारभूत इकाई क्या कहलाती है, इसका सही ऑप्शन है ए कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी हुई अनुक्रिया का लुप्त होना क्या कहलाता है, इसका सही ऑप्शन है सी विलोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालीन स्मृति को और किस नाम से जानते हैं, इसका सही ऑप्शन है सांवेदिक स्मृति। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है, इसका सही ऑप्शन है बी 1.36 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी के जीन में पूरे समूह को जो माता पिता से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, इसका सही ऑप्शन है ए जेनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसका सही ऑप्शन है सी वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण द्वारा सीखने को क्या कहते हैं, इसका सही ऑप्शन है सी क्रिया प्रस्तुत अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के प्रथम 3 नियमों का प्रतिपादन किसने किया है, इसका सही ऑप्शन है बी थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, वह बालक क्या कहलाएगा, इसका सही ऑप्शन है सी प्रतिभाशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने किया, इसका सही ऑप्शन है डी स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है, इसका भी आंसर पता नहीं लग पाया है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समृद्धि में सूचनाओं को अधिकतम 20-30 सेकेंड तक संचित करके रखा जा सकता है, इसका सही ऑप्शन है बी लघुकालीन स्मृति। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।